गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा खारदुंगला से नीचे आए थे सुमूर की तरफ, फिर सुमूर से हम आ गए थे पनामिक विलेज में, और पनामिक विलेज में हम एक होम स्टे में रुके थे जो ये ऐसा दिखता है। काफ़ी अच्छा होम स्टे था, लद्दाखी ट्रेडिशन वाला, लद्दाखी तरीके से बना हुआ, ओनर्स काफ़ी अच्छे थे। तो आप कभी इस तरफ आओ तो रख सकते हो, आई विल ट्राई टू गेट देयर नंबर। और रात को मैं कल शूट नहीं किया बिकॉज एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं अपने फ़ोन का चार्जर लेके होटल में भूल आया हूँ। तो मेरे पास ना डेटा केबल है ना अडेप्टर है, उनको कॉल कर दिया है कि जब वापस ले जाएंगे वहाँ से ले लेंगे, लेकिन अभी फॉर मीनवाइल मेरे को मैनेज करना पड़ रहा है। थोड़ा कम यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन, और किसी से डेटा केबल लेके चार्ज किया था। तो आगे देखते हैं कैसे चलता है, आगे 3-4 दिन भी मैनेज करना पड़ेगा किसी से मांग मांग के, या अगर रास्ते में कोई शॉप मिल गई तो ख़रीद लेंगे। बाकी चलते हैं अब रोड पर, पनामिक में मैं हूँ अभी, वो रही गाड़ी अपनी तैयार हो रही है, बस पैक वैक सब कुछ हो चुका है, सियाचिन की तरफ। सियाचिन बेस कैंप का रास्ता यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का है, वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर शूट वहाँ कर पाया सो आपको दिखाऊंगा, नहीं कर पाया तो भी बताऊंगा कैसा था एक्सपीरियंस। सी यू गाइस इन सियाचिन और बिफोर द हाईवे टू सियाचिन। एक मंदिर है सियाचिन बेस कैंप में, जिसमें हर धर्म के आइडल्स हैं। ओके, सो अभी आप जो लोग देख रहे हो, ये सियाचिन में जब आर्मी पोस्ट हुई थी स्टार्टिंग में और अब तक किस किस तरीके से उनके ड्रेसेस चेंज हुए। तो इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट वन, इसमें नॉर्मल ड्रेस है, कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं है, नॉर्मल बूट्स पहने हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो कैप चेंज हुई है, गॉगल्स ऐड हुए हैं, गन चेंज हुई है एंड कम बूट हुए हैं। देन आप इसमें देखोगे तो अगैन कैप चेंज हुई है, और ये जो हिल क्लाइंब के लिए रोप्स यूज होते हैं ये हैं, और कुछ इक्विपमेंट्स और हैं, और फिर दूसरे तरीके के बूट्स हैं। ये वाला अगर देखोगे सो दिस इज़ द हाई टेक, इसमें कैप है कानों के लिए है, गॉगल्स है, गन है, पीछे मैट्रेस है एंड बाइनोकुलर्स, शूज विद गेटर्स, एवरीथिंग। सो दिस इज़ हाउ दे चेंज द ड्रेसेस ऑफ सोल्जर्स। तो अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, इससे राइट साइड में ग्लेशियर है जो सियाचिन वाला है, वहाँ की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बना है तो मैं उस तरफ कैमरा नहीं कर पाऊँ। लेट मी शो यू अदर थिंग्स वेयर यू कैन टेक पिक्चर्स। ये है आई लव सियाचिन, एंड देन यू हैव दिस स्नो मोटर बाइक which our soldiers use. Jai Hind! Exiting from Siachen base camp. And it says, thanks for visit again. अभी थोड़ा सामने फोटोशूट चल रहा है तो रुकना पड़ेगा। Going towards Turtuk,
और ऐसी काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग्स मिल रही हैं। चलो जी, गाड़ी के टायर साफ हो गए। ये वैली, एक सेकेंड, देखो बड़ी ही गजब है। बिल्कुल वैली के बीच में चल रहे हैं, कोई पहाड़ चढ़ना नहीं, कोई पहाड़ उतरना नहीं, और सामने मौसम बहुत खराब है। लोग भी ना इक्का दुक्का ही, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पब्लिक है, थोड़े बहुत लोग यहाँ आते ही बहुत कम लोग हैं। सुबह से 15-20 लोग हैं। ये फिर से वाटर क्रॉसिंग। इस रूट में वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड में पहाड़ है, इधर है बर्फ, वो पिघलती रहती है, रोड के नीचे आती रहती है। यहाँ काम भी चल रहा है कि छोटे छोटे पानी के ड्रेनेज सिस्टम बन जाए, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। अभी ये देखो सामने काम चल रहा है, उसी चीज़ का काम चल रहा है यहाँ पर भी। जहाँ ज़्यादा पानी का दिक्कत है, उधर ऐसे छोटे छोटे ड्रेनेज सिस्टम बनाए जा रहे हैं, जो फिर सीधा राइट साइड में जो हुंडर नदी है उधर जाके पानी मिल जाएगा। सामने चल रहा है काम, जेसीबी की खुदाई देख लो। मिट्टी। And now the rain has started. मस्त मस्त बारिश हो रही है, सामने बहुत बढ़िया वेदर हो रखा है, बादल आ रखे हैं, वैली बहुत कम दिख रही है। अरे बेटे, कुत्ता भी सुसाइड करने आ गया था, सामने बच गया। हाँ जी, तो अब हम पहुँच चुके हैं आपका हुंडर, और हुंडर पहुँचे हुए करीब एक घंटा हो गया है, रेस्ट कर रहे हैं। सियाचिन से हुंडर तक का रास्ता काफ़ी अच्छा था और मज़ा आया ड्राइव करके। करीबन आपका इट वाज अराउंड 150 किलोमीटर्स और 130 किलोमीटर्स, सो ऐसा कुछ थकान भी आज नहीं हुई है। सो मैं शूट कर रहा हूँ आज, और यहाँ पर नेटवर्क है कम है, तो इफ़ यू आर कैरिंग जियो और एयरटेल तो यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं चलता इंटरनेट। बट हाँ, आप व्हाट्सएप चला सकते हो और यू कैन ट्राई फॉर कॉलिंग एज वेल। लेट मी शो यू द प्लेस आई एम स्टेइंग टुडे। सो दिस इज़ द प्लेस, ये है आपका रेस्टोरेंट इसमें, और ये कैंप्स हैं। हमने भी एक कैंप लिया है, हमारा वो वाला कैंप है। हमने एक ही कैंप लिया है जिसमें ट्रिपल शेयरिंग होता है, बट वी विल मैनेज, हम चार लोग हैं, हो जाएगा मैनेज उसमें, ट्रिपल शेयरिंग वाले कैंप में। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, काफ़ी हरियाली है यहाँ पर, और उस तरफ कुछ घर भी हैं। ओनर का घर है सामने ही, और उसमें वो लोग, अगर आपको जैसे रूम लेना है, आपको टेंट नहीं लेना, तो आप उधर भी रूम ले सकते हो इस प्रॉपर्टी में। एंड दिस इज हाउ द कैंप लुक्स लाइक। यहाँ पे पार्टी की तैयारी चल रही है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम चिरवे बना रहे हैं। चिरवे बना रहे हैं, बढ़िया प्याज टमाटर आलू हरी मिर्च डाल के। ये एक रूम है, एक डबल बेड, सिंगल बेड, चेयर, एंड देन देयर इज द बाथरूम, सो इट्स नीट एंड क्लीन। ये जो टेंट है हमें, हम लोगों को पड़ा है 4100 का, हम चारों लोगों के लिए।
इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट. सो गुड डील है. यहाँ पर पब्लिक बहुत आ रही है आज तो, मतलब बहुत ज़्यादा जैम भी था इधर रास्ते में, और काफ़ी सारे कॉटेजेस और टेंट्स बुक चल रहे थे. हमें यहाँ पर मिल गया. अगर हम अलग अलग दो लेते जिसमें टू ऑक्यूपेंसी वाले टेंट्स होते हैं, सो वो अराउंड पड़ जाता 5500. सो वी थॉट लेट्स सेव सम मनी एंड एक ही टाइम में मैनेज कर लेते हैं. वो भी नॉर्मली हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं आता है. और हम लोग दिन भर ड्राइव करते हैं तो रात में नींद भी ऑब्वियस ही है, जल्दी आ जाती है. सो यप, दैट्स ऑल अबाउट द प्लेस. कल हमारा प्लान है हुंडर जाने का. सॉरी, हुंडर में अभी हैं, हम जाएंगे तुरतुक और आपकी जो एक और जगह पड़ती है आई गेस त्याक्षी, जहाँ पर आपका POK है, इंडियन लास्ट पोस्ट है और लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है इस तरफ से. तो वहाँ जाएंगे. आपको वो वाला कल पूरा ब्लॉग उसके रिलेटेड होगा. तो आज के ब्लॉग को मैं अपने सियाचिन एंड हुंडर के एक्सपीरियंस के साथ ही ख़त्म करता हूँ. अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया सो मेक श्योर यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू. And I will try to come up with more videos about traveling. Okay, see you guys in the next video. Bye for now.